दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है प्रोटीन स्ट्रक्चर। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोटीन कैसे बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है इसके मतलब पढ़ लिया था। उसमें हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन की थी प्रोटीन, जिसमें हमने रेगुलेटरी प्रोटीन, स्ट्रक्चर वाइज प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की थी और डिफरेंट मेथड से जिससे हमने क्लासिफिकेशन की थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं वो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की। नॉर्मली जो हम लोग प्रोटीन स्ट्रक्चर देखते हैं वो कौन से नहीं, चार टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी एंड क्वार्टरी। तो आज का जो ये वीडियो है ये सिर्फ प्राइमरी प्रोटीन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर, हमें पता कैसे चलता है कि हाउ वी कैन कम टू नो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो मेथड है जिसके जरिए हमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, वो मेथड जिसके लिए हमें ये पता चलता है ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की बुक से हम लोग पढ़ते हैं या बायोकेमिस्ट्री की तरफ आए तो डिफरेंट मेथड है जिसके लिए हम लोग एक प्रोटीन का जनरल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देखने से मुराद है कि हमें पता चल सकता है। जो नॉर्मली एक मेथड यूज होता है वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। नॉर्मली जो मेथड यूज होता है डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी, सॉरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए वो है जी एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक प्रोटीन पार्ट लेके उसके ऊपर एक्सरे को एक्सरेज फॉल करते हैं। वो एक्सरेज क्या होती है, प्रोटीन क्रिस्टल में से क्या होती है, डिफ्रैक्ट होती है और हमें फिर उसका फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर 3D स्ट्रक्चर मिल जाता है। वो स्ट्रक्चर हमें बताता है ये प्रोटीन किस शेप की है, ये इसके अंदर कितने अमीनो एसिड हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत से और मेथड हो सकते हैं जिससे हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। तो बैक टू अवर अपर टॉपिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, तो वहां पे स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए ऐसे अरेंज किए जाते हैं, ठीक है जी। प्रोटीन के स्ट्रक्चर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए ऐसे हम लोग कहते हैं। तो इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो है हायरार्की मॉडल। उसमें क्या है जो सबसे पहले है इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोटीन, देन सेकेंडरी प्रोटीन, उसके बाद टर्शियरी एंड देन क्वार्टरी। अगर कॉम्प्लेक्सिटीज की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्सिटीज नीचे सबसे ज्यादा है, ऊपर जाते वक्त वो क्या होगी कम होती जाएगी। एरो के लिए ऐसे देखे तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वो प्रोटीन जो सबसे पहले है प्राइमरी प्रोटीन, जो सिंपल प्रोटीन होती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत कम होती है। स्कैंडी प्रोटीन प्राइमरी की इस पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, टर्शियरी प्रोटीन इन दोनों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड एट द एंड क्वार्टरी प्रोटीन क्या है वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो प्राइमरी प्रोटीन की तरफ आते हैं कि जिसको हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। प्राइमरी प्रोटीन क्या है तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। The structure of protein which shows the exact number and sequence of amino acid, ठीक है जी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है प्रोटीन का, जिसे हम लोग प्राइमरी प्रोटीन भी कहते हैं, यहां प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जब हम लोग प्राइमरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो ये क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बेसिकली ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, एग्जैक्ट बिल्कुल सही सही नंबर एंड सीक्वेंस। वो स्ट्रक्चर जो हमें बिल्कुल सही सही नंबर्स बताता है कि कितने नंबर है और सीक्वेंस से बताता है हमें ये ऑर्डर बताता है कि कौन सा मान चीज पहले आ रही है, कौन सी चीज बाद में आ रही है, कौन से स्टार्ट पे कौन सी आखिर पे है, किसके बता रहा होता है तो अमीनो एसिड। वो स्ट्रक्चर जो हमें प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड के नंबर्स और उनकी ऑर्डर को बताता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसकी दूसरी बात है कि ये मोस्ट वेरियस और डाइवर्स है, ठीक है जी। बाकी तीन चार स्ट्रक्चर जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरी, उनमें जो
प्राइमरी स्ट्रक्चर है. दीज आर द मोस्ट डाइवर्स्ड और वेरी स्ट्रक्चर की डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है. कैसे नहीं? क्योंकि इस कंडीशन में जो एक सिंगल प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, प्राइमरी प्रोटीन है, इसके मैनी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, स्ट्रेट चेन, जिसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, वो डिफरेंट सीक्वेंस में अरेंजमेंट की वजह से उनके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हो सकते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एक खास प्रोटीन जिसके अंदर कुछ खास अमीनो एसिड हो, एक फिक्स्ड नंबर हो, वो कितने स्ट्रक्चर्स में हमें मिल सकती है, उसके लिए जो हम लोग जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं वो है जी 20N. ठीक है जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, सॉरी प्रोटीन होती है, वो एनिमल्स या ह्यूमन की बात करें या ऑर्गेनिज्म की बात करें, 20 डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं जो कि मिलकर डिफरेंट कंडीशन से पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं. तो 20 अमीनो एसिड है और एन कह दी. अगर हम फर्ज करें एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है, या फर्ज कर लेते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके अंदर जो अमीनो एसिड है वो कंसिडर हम लोग ये कर लेते हैं 100 है. ठीक है जी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोटीन की एक चेन है, सॉरी प्रोटीन अमीनो एसिड की चेन है जिसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का नाम दे रहे हैं. अगर 50 से अबव हो तो हम लोग इसे प्रोटीन कहते हैं, इससे पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं. तो फर्स्ट ये एक प्रोटीन है जिसके अंदर कितने भी 100 अमीनो एसिड, 100 अमीनो एसिड डिफरेंट सीक्वेंस के साथ जुड़े हैं और एक चेन बना रहे हैं जिसे हम लोग प्रोटीन चेन कह रहे हैं. तो यहां पे अगर एक अमीनो एसिड फर्स्ट करें ये पहला है ये दूसरा है, तो अगले कंडीशन में यहां पे दूसरा आ सकता है, यहां पे पहला आ सकता है. तो इस तरह सिर्फ सीक्वेंस को चेंज करके इन 100 अमीनो एसिड की चेन या इन 100 अमीनो एसिड की प्रोटीन के कितने हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, तो इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 20 अमीनो एसिड है एन क्या थी नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन चेन या इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन. इन पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड है एन उस पावर को कहते हैं. तो बेसिकली एक ऐसी प्रोटीन जिसकी या एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके अंदर 100 अमीनो एसिड है उसके 20^100 डिफरेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर बन सकते हैं सिर्फ क्या किया अमीनो एसिड की सीक्वेंस को चेंज करने से. तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इट इज द मोस्ट डाइवर्स और वेरियस स्ट्रक्चर इन अमंग ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि जितने भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा डाइवर्स और सबसे ज्यादा क्या है कि वैरायटी शो करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है. अब बात करते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन बनती कैसे है. तो हमने पढ़ा था कि प्रोटीन क्या है, सेल की रिक्वायरमेंट होती है, तो सेल के अंदर डीएनए है. डीएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते थे, और मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम्स, ये क्या है प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है जी, जब भी हमारे सेल्स को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है कि प्रोटीन बनानी है तो क्या होता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम आरएनए ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटीन. जितने भी ट्रांसलेशन सेल के अंदर हो रही है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बन रही है, दे आर ऑलवेज प्राइमरी प्रोटीन. ठीक है जी, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है. जब वो प्रोटीन राइबोसोम से डिटैच हो गई, पॉलीपेप्टाइड चेन बन चुकी है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है. अब उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से कि उसने किस तरह का काम करना है, तो एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन. कुछ बुक्स में आपको पोस्ट ट्रांसलेशन पोस्ट ट्रांसलेटेड चेंजेस भी मिलेंगे, तो ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या है, पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन के बाद जो प्राइमरी प्रोटीन हमें मिली है जिसे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन कह रहे हैं, इसके अंदर कुछ चेंजेस की जाती हैं और जो बाकी तीन स्ट्रक्चर है जिसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, तो प्रोटीन हमेशा ट्रांसलेशन से जो बनती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है. पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन प्रोसेस के बाद या पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के बाद इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को सेल की रिक्वायरमेंट और रिएक्शन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए या तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बदला जाएगा या टर्शियरी स्ट्रक्चर में बदला जाएगा या फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में बदला जाएगा. और यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ते हैं और आप लोगों को पहले से इल्म होगा कि मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ये किसी भी प्रोटीन बनने को कोड कर रहा होता है. ठीक है,
ठीक है जी, मैसेंजर आरएनए कह रही प्रोटीन बनाने का जिम्मेदार है, क्यों, किन अमीनो एसिड को जोड़ के बनाना है, प्रोटीन बनानी है, उसकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेंजर आरएनए के पास होती है, और मैसेंजर आरएनए की लेंथ ऑलवेज ज्यादा होती है प्रोटीन की लेंथ के। मिसाल के तौर पर अगर एक मैसेंजर आरएनए जिसके अंदर फर्ज करें 30,000 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, या चले 3,000 कर देते हैं कि 3,000 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस को ट्रांसलेशन के दौरान देखते हुए जो प्रोटीन बनेगी उसके अंदर सिर्फ 1,000 अमीनो एसिड होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए होता है इसके ऊपर 3 कोडोन होते हैं, ठीक है जी, कोडोन क्या जी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड व्हिच एनकोड 1 अमीनो एसिड, ठीक है जी। मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जिसे हम लोग कोडोन कहते हैं, ये मिलके एक अमीनो एसिड बनाता है, तो इसलिए ऐसे वो मैसेंजर आरएनए जिसके ऊपर 3,000 कोडोन होंगे वो बेसिकली वो प्रोटीन बनाएगा जिसके अंदर 1,000 अमीनो एसिड जुड़ सकते हैं। तो प्रोटीन की जो सीक्वेंस होती है ये किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत स्पेसिफिक होती है। अगर इनमें थोड़ा सा भी आगे पीछे का डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन में पढ़ा सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, इस तरह इंसुलिन की कंडीशन में पढ़ते हैं, तो मैं इसे रेस करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि इंसुलिन और हीमोग्लोबिन के लिए ऐसे क्या होता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल के जरिए प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरफ देखेंगे कि जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बात की थी, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली हमें मदद देता है किसी भी, चाहे वो प्रोटीन सब्सटेंस है, एंजाइम है, हॉर्मोन्स है, या कोई भी चीज है जिसमें प्रोटीन मौजूद है, यानी कि वो अमीनो एसिड बनी है, तो उसमें कौन से अमीनो एसिड है और किस सीक्वेंस से जुड़े हैं, इनको समझने के लिए या इसको स्टडी करने के लिए जो स्ट्रक्चर हमारे लिए मददगार है वो है प्राइमरी प्रोटीन। तो सबसे पहले जो मसल सेल्स के अंदर मायोग्लोबिन होती है इसके सीक्वेंस को स्टडी किया गया था, देन इसके बाद हम लोग अक्सर जो जानते हैं कि शैंगर आया, इसने सबसे पहले इंसुलिन, ठीक है जी, सबसे पहले क्या जी, इंसुलिन का सीक्वेंस स्टडी किया था कि इंसुलिन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं जो इंसुलिन होती है ये 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। उसके बाद जैसा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमें सीक्वेंस और नंबर बताता है, तो नंबर तो हमें पता चल गया है कि आप शैंगर ने जब एक्सपेरिमेंट किए इंसुलिन का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने की कोशिश की किस तरह बना है, तो इसे पता चला कि जो प्रोटीन इंसुलिन है वो 51 अमीनो एसिड की बनी है, और ये जो 51 अमीनो एसिड है ये दो चेन्स की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, एक चेन में 21 अमीनो एसिड है जिसे हम लोग फर्ज करें अल्फा कह रहे हैं, और दूसरी चेन में 30 अमीनो एसिड है जिसे बीटा का नाम दिया जाता है। अब ये दो चेन कैसे तरह की हम लोग हाइपोथेटिकली देखते हैं, ठीक है, फर्ज करें ये हाइपोथेटिकली इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो स्ट्रक्चर में यदि जो ऊपर वाली चेन है ये अल्फा, इसके अंदर 21 अमीनो एसिड, और जो नीचे वाली चेन है ये बीटा, इसके अंदर 30 अमीनो एसिड है। अब क्या होगा, ये दो अलग चेन है तो फिर ये स्टेबल कैसे है, चेन सेपरेट क्यों नहीं होती, हमने कहा था प्रोटीन 51 अमीनो एसिड के दो चेन है, अगर इस तरह फॉर्म में मौजूद है तो ये चेन तो सेपरेट हो सकती है अगर इनमें कोई अट्रैक्शन वगैरह ना हो, तो अट्रैक्शन के लिए क्या होता है, प्रोटीन में एक अमीनो एसिड होता है इंसुलिन की चेन में जिसे हम लोग हिस्टिडीन कहते हैं, और हमें पता है कि सिर्फ प्रोटीन के पूरे 20 अमीनो एसिड में दो ऐसे अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर मौजूद है, एक है मेथियोनिन और एक है हिस्टिडीन, तो ये क्या होता है हिस्टिडीन, इसके अंदर जो प्रोटीन की हम लोग कह सकते हैं इंसुलिन है, इसकी स्टेबिलिटी की दो वजह है, नंबर वन इंटरनल और एक्सटर्नल डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है जी, जो इंसुलिन है इसकी स्टेबिलिटी की क्या वजह थी, डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्या होता है जो हिस्टिडीन होती है ये अपने से 3/4 या 5/5 अमीनो एसिड में जो हिस्टिडीन होती है उसके दरमियान क्या होता है बॉन्ड बना लेती है, ठीक है, ये एक्सटर्नल बॉन्ड है। इसी तरह जो हिस्टिडीन होती है ये जो बीटा चेन में मौजूद हिस्टिडीन होती है इनके साथ भी क्या करती है बॉन्ड बना लेती है, ठीक है, तो
तो इस तरह क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से जो एक इंसुलिन होता है इसका स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। ये जो दो डिफरेंट चेन्स है, एक में 21 अमीनो एसिड जिसे हम अल्फा कह रहे हैं, एक में 13 है जिसे हम लोग बीटा कह रहे हैं, ये चेन सेपरेट नहीं हो पाती। लेकिन जैसे कि हमने बात की, ये भी जो स्ट्रक्चर है, पहले जब प्रोटीन बनती है या इंसुलिन हम लोग कहते हैं कि प्री इंसुलिन बनती है, वो इंसुलिन जो ट्रांसलेशन से बनी है जिसने अभी पूरी तरह से मॉडिफाइड हो गया इंसुलिन बनाना है, तो ये भी बेसिकली एक स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है जी। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस के दौरान क्या होता है जी, इस स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है जी, इस फॉर्म में जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है। अब सिमिलरली एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जिसे हम लोग बेसिकली ज्यादातर जब सीक्वेंस पढ़ाया जाता है तो अगर चेंजेस आ जाए तो कौन से बीमारियां आप कह सकते हैं कि आ सकती है, तो उसमें हीमोग्लोबिन की एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। ठीक है जी, हीमोग्लोबिन क्या है बेसिकली, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये ट्रांसपोर्टर स्ट्रक्चर में बिलोंग करती है, लेकिन सीक्वेंस के वैसे देखा जाए तो जो हीमोग्लोबिन है ये 574 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, ठीक है जी। और ये दो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दो चेन, बेसिकली चार चेन होती है, दो अल्फा और दो बीटा। जो अल्फा चेन होती है इनके अंदर 141 अमीनो एसिड, और जो बीटा होती है इनके अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है जी। अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, इसके बाद जो अगली वीडियो होगी तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो जो हीमोग्लोबिन होती है इसके अंदर 574 अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड की सीक्वेंस होता है इतना, और चार चेन की फॉर्म में मौजूद होता है, दो अल्फा होती है और दो बीटा होती है। अब ये जो सीक्वेंस है ये बहुत जरूरी है, अगर एक भी अमीनो एसिड जो के चाहिए था अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो ना आए तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर पूरे का पूरा चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है जी, वो प्रोटीन जो बनाई इसीलिए गई थी कि किसी रिएक्शन को करवा सके, अमीनो एसिड की सही पोजीशन ना आने की वजह से क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो अल्टीमेटली वो प्रोटीन जिस भी रिएक्शन के लिए थी वो रिएक्शन खत्म हो जाएगा, बहुत स्लो डाउन हो सकता है या कोई दूसरा डिफेक्ट पैदा कर सकता है। अब बेसिकली ये ऐसा होता क्यों है, डिफॉर्मेशन या आप ये कह सकते हो डिफेक्ट, ये आता कैसे है, तो जो डिफेक्ट आता है ये बेसिकली मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है जी। डीएनए के अंदर म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, यहां पर फर्ज करें डीएनए है, इसके अंदर क्या हुई, म्यूटेशन हुई। म्यूटेशन क्यों हुई, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, इंटरनल कॉजेस हैं, रेडिएशंस हैं, ड्रग कोई ऐसा यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगी। जब डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगी तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा ये भी क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। इसके अंदर जो कोडोन होंगे उनकी तरतीब, किसी एक ही एक से ज्यादा कोडोन की तरतीब आगे पीछे हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है जब कोई प्रोटीन बनेगी तो डिफेक्टिव मैसेंजर आने की वजह से क्या होता है, अमीनो एसिड या तो अपनी गलत जगह पे आकर लगते हैं या उस अमीनो एसिड की जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इस प्रोसेस में ट्रांसलेशन हो जाए जो कि होगी, तो जो प्रोटीन है वो क्या होगी, डिफेक्टिव हो जाती है। वजह, अमीनो एसिड रिप्लेस हो सकता है, नंबर वन, अमीनो एसिड अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर अटैच हो सकता है, नंबर टू। तो हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, इसमें जो बीटा चेन होती है इसमें 5 नंबर के ऊपर बेसिकली ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है जी। लेकिन डीएनए में म्यूटेशन आने की वजह से क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह यहां पे वेलाइन आ जाती है। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, जैसे कि मैंने पहले बात की प्रोटीन के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, तो जो हीमोग्लोबिन होता है ये बेसिकली बाइकंकेव स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। दोनों तरह से क्या होता है, अंदर की तरफ दशा होता है ताकि क्या हो सके, ऑक्सीजन यहां पे आ रहे बाइंड कर सके। लेकिन बीटा चेन में डीएनए म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, 5 बीटा चेन की जो 5 नंबर में ग्लूटामिक एसिड की वे लाइन आ गया, ये स्ट्रक्चर डबल या बाई कंकेव से कन्वर्ट होकर बन जाता है क्रीसेंट, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, बाई कंकेव से
थ्री स्टेट फॉर्म में बदल जाता है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया, और ऐसी बीमारी में जिसमें क्या होता है ग्लूटामिक एसिड की जगह वे लाइन आने की वजह से बाई करके स्ट्रक्चर थ्री स्टेट फॉर्म में बदल गया, इस बीमारी को हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है जी, इस बीमारी को हम लोग कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर एक जो नॉर्मल है वो दो ऑक्सीजन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो दो ऑक्सीजन के साथ एट अ टाइम बाइंड करके फर्ज करे ऑक्सीजन को ले जा सकता था, तो ये उसके मुकाबले ऑक्सीजन को कम लेके जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी। बहुत से रिएक्शन में एनर्जी इंस्टेंटली चाहिए होती है, वो एनर्जी नहीं मिलती, बॉडी वीक हो जाती है, ब्लड डैमेज हो रहा होता है, तो इस वजह से बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस पोजीशन चेंज हुई थी, ग्लूटामिक की जगह क्या हुआ वे लाइन आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है स्ट्रक्चर प्रोटीन का चेंज हो गया, जिस रिएक्शन को इसमें कंट्रोल करना था वो रिएक्शन या तो स्लो डाउन हो गया, वो रिएक्शन खत्म हो गया, या उस रिएक्शन में कोई बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो इस ऐसी जो बीमारी बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टडी करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि नॉर्मल जो प्रोटीन थी उसमें कौन से अमीनो एसिड थे और किस तरतीब से लगे थे, और ये जो डिफेक्टिव डिफेक्शन आया या कोई खराबी पैदा हो चुकी है तो प्रोटीन के अंदर कौन सी खराबी, इसमें कोई अमीनो एसिड नया आ गया है या कोई अमीनो एसिड अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन में जा रहा है अटैच हो गया, जहां पर कोई दूसरा अमीनो एसिड अटैच हो सकता था, जैसा कि यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वे लाइन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमें डिफेक्टिव प्रोटीन की स्टडी के लिए बहुत मददगार होता है कि ये प्रोटीन डिफेक्ट कैसे है, और जब हम लोग डिफेक्टिव प्रोटीन की स्टडी करते हैं तो फिर हम लोग मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस भी बना सकते हैं कि इस डिफेक्टिव प्रोटीन को बनाने के लिए मैसेंजर आरएनए कुछ ऐसा होगा, और अगर हम लोग मैसेंजर आरएनए बना सकते हैं तो हमें पता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, उसके लिए हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि डीएनए जिसने मैसेंजर आरएनए बनाया है वो किस तरह के सीक्वेंस से है, और उससे नॉर्मल डीएनए कंपेयर करके हम लोग बता सकते हैं कि किस न्यूक्लियोटाइड में खराबी आई है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन के दौरान चेंज हो सकता है। तो इस तरह के जो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सी डिजीजेस को स्टडी करने में और उनकी क्या डायग्नोसिस में हमारी मदद कर रहा है। तो ये जी आज का हमारा